हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे। सो आज हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एंड इन ह्यूमन वेलफेयर। तो माइक्रोब्स जो है वो जो जीवाणु है, विषाणु है, ये सब जो है कहाँ कहाँ नहीं प्रेजेंट होते, यानी ये मिट्टी में भी मिलेंगे हमको, वाटर में भी मिलेंगे, एयर, और यहाँ तक कि हमारी बॉडीज़ के अंदर भी, और एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स हैं उनमें, और प्लांट में भी ये पाए जाते हैं। सो ऐसी कोई भी साइट नहीं है जहाँ पे ये जो है एग्जिस्ट नहीं करते हो। इवन ये जो गीजर्स होते हैं, जो थर्मल वेंट्स हैं, जहाँ का तापमान जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर है, वहाँ पे भी ये मिलते हैं, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। जो सॉइल है उसमें गहराई तक भी ये मिलेंगे, और हमको ये जो स्नो है, जो बर्फ़ है, उसमें भी बहुत नीचे तक ये जो है बहुत मीटर नीचे तक हमको मिल जाएंगे माइक्रोब्स, और हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट्स में भी ये मिल जाएंगे। यानी कि ये सब जगह जो है पाए जाते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। सो माइक्रोब्स जो है वो डाइवर्स हैं, जैसे इसमें प्रोटोजोआ आते हैं, बैक्टीरिया आएंगे, फंजाई आएगी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड प्रायोन्स भी जो है इसी के अंदर आएंगी। प्रायोन्स जो कि प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है, ये भी इसी के अंदर ही आते हैं, माइक्रोब्स के अंदर ही। सो माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजे, बहुत सारे की फंजे जो है वो उनको हम न्यूट्रिटिव मीडिया में जो है उगा सकते हैं, कॉलोनीज में, टू फॉर्म कॉलोनीज, एंड उनको हम जो है नेकेड आई से भी देख सकते हैं। जैसे कि जो ब्रेड होती है उस पर जो ब्लैक कलर का, अगर उसको हम ऐसे रख दे तो उस पर ब्लैक कलर का कुछ जो है उग जाता है, जो जिसे हम फफूंद या फिर फंगस कहते हैं, तो उसे हम देख सकते हैं अपनी नेकेड आई से भी। चलो शुरू करते हैं चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे घरेलू उत्पादों में सूक्ष्मजीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्मजीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्मजीव, यानी जो सीवेज ट्रीटमेंट है उसमें, उसके अलावा बायोगैस के उत्पादन में जैव नियंत्रण कारक के रूप में, और जैव उर्वरक के रूप में जो है माइक्रोब्स। सो ये सब जो है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से जो है ये डिफरेंट टाइप के जो है माइक्रोब्स हमको देखने को मिलेंगे। डायग्राम देखते हैं इसका। सो इस तरफ ये सारे जो है बैक्टीरिया दे रखे हैं, और इस तरफ जो है वायरस दे रखे हैं। तो ए वाला जो है ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, और ये है स्फेरिकल जो बैक्टीरिया है, और ये रॉड शेप बैक्टीरिया है, लेकिन इसमें जो है कशाबिका यानी फ्लैजुलम के साथ है, ये फ्लैजुला के साथ है। और ये है बैक्टीरियोफेज, जिसमें एक सीश होता है, कॉलर और पुच्छल प्लेट, और जो है ये सूची, और ये इसकी भुजाएं जो है इसमें होंगी, और ये बी वाला जो है यानी जो ब है वो है एक एडेनोवायरस, जो कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है हमें। और उसके बाद ये है संगठित दंडकार विषाणु, यानी रॉड शेप्ड वायरस है, कॉम्पैक्ट। सो टोबैको मोजाइक वायरस का है ये डायग्राम। और यहाँ पे है जो पेट्री डिश है उसमें वृद्धि कर रहे जीवाणु की कॉलोनिया, और ये है कवक की कॉलोनिया, यानी फंगल कॉलोनी और बैक्टीरियल कॉलोनी कॉलोनीज जो है यहाँ पे पेट्री डिश में ग्रो कराई गई है। सो बहुत सारे जो सूक्ष्म जीव है वो मनुष्य में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं, इसके अलावा ये पशुओं और पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है ये तो हानिकारक सूक्ष्म जीव हैं जो कि रोग उत्पन्न करते हैं, लेकिन सारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो रोगजनक नहीं होते हैं, वो बेनिफिशियल भी होते हैं हमारे लिए। सो अधिकांश जो सूक्ष्म जीव है वो मनुष्य के लिए कई प्रकार से लाभप्रद होते हैं। तो यहाँ पे है कि घरेलू उत्पादों में जो सूक्ष्म जीव किस तरह से काम आते हैं हमारे, तो जो हम घर में जो दही खाते हैं तो वो कैसे बनता है, कि ये कॉमन एग्जांपल है कि जो कर्ड है मिल्क से बना है, उसमें क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है, लैक्टोबैसिलस, और जिन्हें हम सामान्यतः लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं, तो यही जो है दूध में वृद्धि करते हैं। जब हम उसमें जामुन दे देते हैं या जो स्टार्टर के रूप में थोड़ा सा दही उसमें डालते हैं, तो वो जो है बैक्टीरिया ग्रो करते हैं और उसको जो है दही में परिवर्तित कर देते हैं। सो वृद्धि के दौरान जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये अम्ल उत्पन्न करता है, जिसे हम
जो है लैक्टिक एसिड कहते हैं, ये दूध का जो प्रोटीन है उसको स्कंदित तथा आंशिक रूप से पचा देता है, यानी ये उसको कोगुलेट कर देता है और पार्शली जो है डाइजेस्ट कर देता है। और एक स्मॉल अमाउंट अगर हम कर्ड का लेंगे छोटा सा और उसको हम देखेंगे तो उसमें बहुत सारे जो है मिलियंस ऑफ जो है बैक्टीरिया हमको दिखाई देंगे। सो दही की हम थोड़ी सी मात्रा के द्वारा जो है निवेश द्रव्य या फिर आरंभ के रूप में जो है ताजे दूध में मिलाया जाता है, और इसमें जो है लाखों करोड़ों की संख्या में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं जो एक उनके लिए एक जो है उपयुक्त तापमान होना चाहिए उस पर कई गुना वृद्धि करते हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो दूध है वो दही में बदल जाता है। सो ये जो है इसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है दूध की वो बढ़ा देता है दही में बदल के। इसमें जो विटामिन B12 है उसकी मात्रा को ये बढ़ा देता है और पोषण संबंधी गुणवत्ता में भी जो है इसके सुधार हो जाता है। सो इसके अलावा हमारे पेट में भी जो है सूक्ष्म जीवियों द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों को रोकने के लिए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक लाभदायक भूमिका का निर्वहन करता है, यानी ये डिजीज चेक करता है इनसाइड अवर स्टमक। सो उसके अलावा जो डोसा और इडली बनाने का जो बैटर होता है जो बनाते तो वो भी फर्मेंटेड ही होता है, यानी वो भी किण्वित ही होता है बैक्टीरिया द्वारा, तो उसमें जो है उसको छोड़ दिया जाता है और वो जो है चावल और जो उड़द की दाल से ये बनता है और उसमें उसको रख दिया जाता है और थोड़ी देर बाद जो है कुछ घंटों बाद वो बैटर जो है वो फूल जाता है। तो उसमें जो CO2 गैस है उसके निर्माण से जो है ये वो जो बैटर है वो फूल जाता है। तो अब इसी प्रकार जो है ढीला ढीला आटा जो है हम जिसका प्रयोग ब्रेड बनाने में करते हैं तो उसमें बेकर ईस्ट मिलाया जाता है, यानी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का जो है प्रयोग किया जाता है उसमें। और यहाँ पे उसके अलावा जो पारंपरिक पेय और आहारों की एक बड़ी संख्या है जिसमें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित कराकर तैयार की जाती है, जैसे कि दक्षिण भारत में एक पारंपरिक पेय है टोडी, और ये जो है ताड़ के वृक्षों से जो है मिलता है, उसका जो श्राव होता है उसको फर्मेंट करवा के यानी किण्वित करवा के और उसको जो है प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा किण्वित मत्स्य और सोयाबीन तथा बांस प्ररो आदि के भोजन को तैयार करने के लिए भी जो है यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। पनीर और चीज़ जो है इनको भी फर्मेंटेशन के थ्रू ही बनाया जाता है। सो जो स्विस चीज़ है उसमें पाए जाने वाले बड़े बड़े जो छिद्र होते हैं वो प्रोपियोनो ओनी बैक्टीरियम सारमेनाई जो है उस बैक्टीरियम के द्वारा जो है बड़ी मात्रा में CO2 उत्पन्न करने के कारण जो है उसमें बड़े बड़े से जो है छेद हो जाते हैं गोल गोल से। तो रॉक्यूफोर्ड चीज़ जो है वो एक विशेष प्रकार के कवक की वृद्धि से परिपक्व होती है जिसमें विशेष सुगंध जो है वो आने लगती है। सो इस तरह से जो डिफरेंट घरेलू जो सामान है उनके लिए बहुत सारी जो बैक्टीरियाज वगैरह है वो काम करते हैं और वो हमारे जो है लिए यूज़फुल है। उसके अलावा माइक्रोब्स जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में किस तरह से काम आते हैं, तो औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव जो है यहाँ पे सूक्ष्म जीवों का प्रयोग बहुत से उत्पादों को संश्लेषण के लिए जो है किया जाता है, तो ये मनुष्य के लिए काफ़ी जो है वैल्यूएबल है। सो इसका उदाहरण है कि मादक पेय या प्रतिजैविक जो है एंटीबायोटिक्स उनके प्रोडक्शन के लिए, यानी बेवरेजेस और एंटीबायोटिक्स जो है इसके कुछ एग्जांपल है जिनको इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाने के लिए जो है जो माइक्रोब्स है वो बहुत लार्ज वेसल्स में जो है रखे जाते हैं, बड़े बर्तन में रखने की आवश्यकता होती है जिसे हम फर्मेंटर या फिर किण्वक कहते हैं। तो यहाँ ये डायग्राम दे रखा है किण्वक का, यहाँ पर देखो बड़े बड़े से जो है कंटेनर होते हैं और इनमें जो है ये फर्मेंटर्स हैं और यहाँ पर फर्मेंटेशन का जो है काम होता है। तो किण्वित पेय यानी जो फर्मेंटेड बेवरेजेस हैं तो इसमें स्पेशली ऐसे बेवरेजेस जैसे कि वाइन है, विस्की, बियर, ब्रांडी, रम, ये सारे उत्पादन जो है इनका किया जाता है फर्मेंटेशन के थ्रू। तो इसके लिए जो यीस्ट है सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये जो है इसके लिए यूज़ किया जाता है, जो इसको हम ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी जो है जानते हैं, यानी ब्रीवर्स ईस्ट ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, तो ये है सैक्रोमाइसिस सर्विसेस। तो ब्रेड बनाने तथा मल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों से एथेनॉल उत्पन्न करने के लिए इसका जो है यूज़ किया जाता है।
किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन आसवन तथा उसके कच्चे पदार्थ पर ये निर्भर करती है कि वाइन बियर का उत्पादन बिना आसवन के, जबकि विस्की ब्रांडी तथा रम किण्वित रस के आसवन द्वारा जो है तैयार किया जाता है। जो विस्की ब्रांडी और रम है वो डिस्टिलेशन से जो है प्रोड्यूस की जाते हैं, जो फर्मेंटेड ब्रॉथ है उसके, और जो वाइन और बियर है वो विदाउट डिस्टिलेशन होते हैं। यहाँ पे एक किण्वन संयंत्र दे रखा है, यहाँ जो है फर्मेंटेशन होता है और जो बेवरेजेस हैं वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके अलावा दूसरा उपयोग है इनका कि एंटीबायोटिक्स यानी प्रतिजैविक के निर्माण के लिए। तो एंटी या फिर एंटीबायोटिक्स जो है वो एंटी एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अगेंस्ट यानी खिलाफ, और बायो का मतलब होता है जीवन, यानी कि जीवन के खिलाफ इसका मतलब हुआ। तो ये जो रोगजनित जो जीव है, जो रोगजनक जीव है उनके लिए ये एंटी होता है, जबकि हमारे लिए जो है प्रो लाइफ होता है, यानी हमारे लिए ये नुकसानदायक नहीं होता है, ये हमारे लिए जीवनदायी होता है। तो मनुष्य के संदर्भ में ये जीवन के खिलाफ ना होकर जीवन के प्रति माने जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का उत्पादन जो है वो 20वीं सदी की जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण खोज है ये। ये एक्सीडेंटली कर लिया गया था। जो पेंसिलिन है वो सबसे पहली एंटीबायोटिक है जिसे खोजा गया था। तो पेंसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक था और ये डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, जब वो स्ट्रेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया पे जो है काम कर रहे थे, स्ट्रेफाइलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। तो उन्हें एक बार दिखाई दिया कि जिन प्लेटों पर वह कार्य कर रहे थे उनमें एक बिना धुली प्लेट पर मोल्ड उत्पन्न हो गए, जिसके कारण स्टेफाइलोकोकस वृद्धि नहीं कर सका है। तो उन्होंने पाया कि ये प्रभाव जो है मोल्ड द्वारा उत्पन्न एक रसायन पेंसिलिन के द्वारा हुआ है। तो पेंसिलिन जो है वो पेंसिलिनियम नोटेटम नामक मोल्ड से उत्पन्न हुई है, इसलिए इसको नाम जो है पेंसिलिन दिया गया था। बाद में जो अर्नेस्ट चेन है और हार्वर्ड फ्लोरे है, इनकी एक शक्तिशाली और प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में जो है इन्होंने इसकी पुष्टि की कि पेंसिलिन जो है वो एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। ये किसने बताया? अर्नेस्ट चेन है, हार्वर्ड फ्लोरे ने। ये एंटीबायोटिक जो है वो एक्सटेंसिवली यूज़ होती थी अमेरिकन सोल्जर्स के वाउंड को, जो घाव हैं जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में उनको मिले थे के दौरान जो है उनको हुए, तो उनको ट्रीट करने के लिए जो है ये एक्सटेंसिवली यूज़ होती थी। और इसके लिए, इसके खोज के लिए जो है फ्लेमिंग चेन और फ्लोरे को जो है 1945 में नोबेल प्राइज़ भी जो है दिया गया था। पेंसिलिन के बाद जो है और भी बहुत सारी जो है एंटीबायोटिक्स जो है वो खोजी गई थी। पेंसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्म जीवों से अन्य एंटीबायोटिकों को भी परिशुद्ध किया गया, और जैसे कि यहाँ पे है कि प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, भयानक रोग जिनमें संसार में लाखों लोग मरे, इनके उपचार के लिए जो है एंटीबायोटिक ने जो है हमारी क्षमता में जो है वृद्धि कर एक शक्ति के रूप में ये आए हैं। और अब तो जो है एंटीबायोटिक्स के बिना रहना भी जो है मुश्किल हो गया है। फिर है केमिकल्स यानी रसायन, एंजाइम तथा अन्य जैव सक्रिय अणु यानी केमिकल, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो माइक्रोब्स जो है वो कमर्शियली एंड इंडस्ट्रियली जो है यूज़ किए जाते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ जो है सर्टेन केमिकल्स, जैसे कि कार्बनिक अम्ल है, अल्कोहल है, एंजाइम आदि के लिए। व्यावसायिक तथा औद्योगिक उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का जो है बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है जो सिट्रिक एसिड है उसका एस्परजिलस नाइगर एक कवक, और एसिटिक अम्ल का जो है एसिटोबैक्टर एसिटाई जीवाणु, ब्यूट्रिक अम्ल का जो है कोलेस्ट्रीडियम ब्यूटाइलियम एक जीवाणु है, और लैक्टिक अम्ल का लैक्टोबैसिलस। ये सारे जो है यूज़ किए जाते हैं इनके प्रोडक्शन में। यीस्ट जो है जो सैक्रोमाइसिस सेरीवियेसे ही है, इसका यूज़ किया जाता है एथेनॉल का बड़े पैमाने पर जो है प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा माइक्रोब जो है वो यूज़ किए जाते हैं कि जो एंजाइम्स हैं वो बनाने के लिए भी। लाइपेज का प्रयोग जो है अपारजक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे मिटाने के लिए किया जाता है। और इसके अलावा जो
हम जो बाज़ार से जो फ्रूट जूस की जो बॉटल लेके आते हैं, तो उनका जो जूस होता है वो बहुत क्लियर होता है, जबकि हम जो घर में बनाते हैं वो जूस जो है क्लियर नहीं होता है वो। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब वो बाज़ार से जो हम खरीद के लाते हैं तो उसको क्या कर किया जाता है, साफ़ किया जाता है, जूस को स्वच्छ एवं साफ़ किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे पैक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस एंजाइम्स जो हैं इनका उपयोग करके उसको क्लियर किया जाता है, और स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु द्वारा जो उत्पन्न होता है, जो अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा रूपांतरित किया जाता है, और इसका प्रयोग जो है जो रोगियों के रक्त वाहिका में जो थक्का है, जो क्लॉट है, उसको हटाने के लिए किया जाता है। यानी कि थक्का स्फोटन के रूप में जो है प्रयोग किया जाता है, और हृदयाघात के अग्रक मायोकार्डियल इन्फेक्शन से ये जो है इन्फ्रैक्शन लीडिंग टू द हार्ट अटैक, क्योंकि यहाँ पे ब्लड वेसल्स जो है उनमें क्लस्टर जो क्लॉट आ गया है उसको ये हटाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इससे हार्ट अटैक आ सकता है। सो अन्य जैव सक्रिय अणु जो है वो है साइक्लोस्पोरिन ए, और इसका प्रयोग जो है वो अंग प्रतिरोपण में जो है प्रतिरक्षा निरोधक यानी इम्यूनो सप्रेसिव के तरह किया जाता है, जिसमें ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उस पेशेंट को जो है ये दिया जाता है, ताकि उसकी बॉडी जो है उस ऑर्गन को रिजेक्ट नहीं करे और जो है सिस्टम फेलियर नहीं हो उसमें। सो इसका उत्पादन जो है ये जो प्रतिरोधक प्रतिरक्षा निरोधक जो है इसका उत्पादन होता है ट्राइकोडर्मा पोलोस्पोरम से। ये एक कवक है यानी ये एक फंजाई है। उसके अलावा मोनास्कस परप्यूयस यीस्ट से उत्पन्न इस स्टेनिन जो है उसका व्यापारिक स्तर पर प्रयोग जो है रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए किया जाता है, यानी जो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको डिक्रीज करने के लिए जो है किया जाता है। सो ये एक्ट करता है बाय कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो जो कोलेस्ट्रॉल उत्पादन करने वाला एंजाइम है उसको ये इनहिबिट कर देता है, एंजाइम को स्पर्धा स्पंदन यानी निरोधन की तरह ये कार्य करता है, क्रिया करते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।